हम लोग सब भुकुमबरा है, तिपरसा है, और मेरे दिल में कोई नफरत नहीं, मैं सबको प्यार करता हूँ। आने वाले थोड़े दिन के बाद यूथ फेस्टिवल है, उसके बाद त्रिंग है, उसके बाद क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर्स है, तो इस समय ये जश्न का सीजन है, फेस्टिव सीजन है, मेला हो रहा है, बाईचुंग भूटिया आके गया है, फुटबॉल का टूर्नामेंट बहुत बड़ा हुआ है, पूरा अगरतला देखकर लग रहा है कि एडीसी में कितना अच्छा एटमोसफियर है। 19 तारीख को लकी अली आएगा, वर्ल्ड फेमस पापॉन, पूरे इंडिया में सब लोग को लग रहा है कि अरे एडीसी में खूब लोग, एक जगह है जहां में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत लोग जल रहे भी है इस प्रोग्राम से। उसके बाद त्रिंग है, मैं आप हमारे तिपरसा मीडिया को बोलना चाहता हूँ, फ्रॉम द एडीसी की तरफ से पूरे कैबिनेट एंड सीएम ने एक डिसीजन लिया है, डिप्टी सीएम ने एक डिसीजन लिया है कि त्रिंग हम लोग एडीसी हॉलीडे अनाउंस कर रहे हैं। ये हम लोग ने अनाउंस कर दिया है कि त्रिंग विल बी एन एडीसी हॉलीडे। हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी, जो तिपरसा को अगर उनको उनके लिए थोड़ा दिल में दया और प्यार है, तो वो लोग भी त्रिंग को स्टेट हॉलीडे अनाउंस कर दीजिए। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर एडीसी है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में था, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमने अपने फर्स्ट टर्म के अंदर ही, पहले साल के अंदर ही हमने अनाउंस कर दिया है कि त्रिंग विल बी अ एडीसी हॉलीडे, और जो भी तिपरसा उस दिन त्रिंग के बाद, आप त्रिंग के दिन में आराम से घर में रहिए, परिवार के संग रहिए, अपने कामी में रहिए, दोस्ती बढ़ाइए, ब्रदरहुड बढ़ाइए, फ्रेंडशिप बढ़ाइए, और थानसा का मैसेज आप लोग दीजिए सब। मेरा एक ही जो आज का एक दो लोग ने आज का जो इंसिडेंट है, मैंने एक ही चीज बताया है कि कहीं में भी वायलेंस हो, अगर तिपरा मौथा वायलेंस करता तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अगर कोई और भी करता तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और मैं खुद एक्शन लूंगा और पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन मेरा एक ही एडवाइस है टू पॉलिटिकल लीडर्स, मैं अगर कल गणमुक्ति परिषद का प्रोग्राम है और मुझे, मैंने देखा और मुझे लग रहा है कि जितेंद्र बाबू बात कर रहे हैं, तो मैं जाऊंगा, कि मेरा अधिकार है एज अ सिटीजन कि मैं जाकर देखूं क्या हो रहा है। अगर पतल कन्या का आज प्रोग्राम था तो मैं गया, और मैंने देखा है कि वहां में बहुत गुस्सा था, नाराजगी थी, लेकिन मैं एज ए लीडर, मैं पॉलिटिक्स में तिपरसा को बेचने के लिए नहीं आया हूँ या बांटने के लिए नहीं आया हूँ। कोई जमातिया हो, कोई देवर्मा हो, कोई रियांग हो, कोई कलोय हो, कोई उच्चोई हो, कोई रियांग हो, 19 का 19 टाइप को मैं बेचने नहीं आया हूँ। मैं दोहा को कभी डिवाइड नहीं करना चाहता हूँ, और इसके लिए जो भी पार्टी का लीडर है उनका दिल बड़ा होना चाहिए और उनको अपने लोगों से प्यार करना चाहिए। मैं तो बाय डिफॉल्ट राजनीति में हूँ, दिल से नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है ग्रेटर तिपरालैंड, और वो ग्रेटर तिपरालैंड के लिए हमको थानसा चाहिए। इसके लिए अगर मुझे कोई थूके भी, अगर कोई मुझे धक्का भी मारे, अगर कोई मुझे बेइज्जत भी करे, मैं तभी भी जाऊँगा, क्योंकि आई लव माय तिपरसा। दैट्स ऑल। पताल करने की शक्ति आप बात हो, मैंने पताल को बोला है कि मेरा फोन को अनब्लॉक करो पहले, मैं पताल के खिलाफ एकदम नहीं, और कम्युनिकेशन रखो, ईगो से और अहंकार से पॉलिटिक्स कभी नहीं होगी। मेरा कोई ईगो नहीं, मेरा कोई अहंकार नहीं, अगर होता, घमंड होता, तो मैं आज अकेले वहां जाकर मुझे इतना नहीं सुनना पड़ेगा। मैं तभी भी गया हूँ क्योंकि मैं तिपरसा को देखकर पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं इंडिविजुअल को देखकर पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, और मैं पर्सनल एम्बिशन को देखकर पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मैं भी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, मैंने पताल को ये बोला है, मैं भी एनआरसी चाहता हूँ। अगर उनको मेरे ग्रेटर तिपरालैंड से प्रॉब्लम है, वो उनका व्यू है, वो उन रखे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, और उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी हमारे संग कैसा एक हो, और बीच में जो भी गैप करने की कोशिश करेगा वो तभी गैप कर सकता है जब कम्युनिकेशन बिटवीन टू लीडर्स नहीं।
तो मैंने पतल को बोला कि पहला मेरा फोन को रिसीव करो। मैंने भी कल दो बार फोन किया था पतल को, उसने उठाया नहीं। होपफुली आने वाले दिन में वो करे, लेकिन पॉलिटिक्स में घमंड और ईगो का कोई प्लेस नहीं है। ठीक है, बेलाइन।